समय निगरान अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वो खूबसूरत दिन है जिसे कभी लाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज के दिन उस अजीम हस्ती ने जन्म लिया था जो आज के अपने किरदार, अपने इखलाक और अपने इंसानियत की बना पर हम सब में जिंदा है और जिंदा रहे। तो वो हस्ती है वन एंड ओनली अलामा इकबाल। यहाँ हमारा एक सवाल बनता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतनी अजीम हस्ती बन गए। तो मैं एक छोटा सा शेर इनकी खिदमत पे पेश करूंगा कि ख्वाब देखा तमीर करवा दिया इकबाल ने, इंसान देखा इंसान बना दिया इकबाल ने, इंसानियत तो तभी थी इंसान के कदमों तले, तले से निकाल कर जहां को दी इकबाल ने। ना बेसर, आज मैं पूछना चाहूंगा कि इकबाल ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनवाया था क्या वो वाकई ही पूरा हो गया है? इकबाल ने पाकिस्तान इसलिए बनवाया था कि मुसलमान इत्मीनान से अपनी जिंदगी बसर कर सके, अपना इस्लाम सीखे और सिखा पाए, भाईचारे वाली मसावात की क्रिएशन हो, इस्लाम की एक हुकूमत बने, इसलिए पाकिस्तान बनवाया गया था। लेकिन लेकिन जनाबे सदर, आज मैं जब मुल्क पाकिस्तान को देखता हूँ तो अंदर से टूट जाता हूँ कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनवाया था वो तो कहीं नजर ही नहीं आता। मैं आपको आज के पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ, जहाँ जनाबे सदर सिर्फ लूट लूट और लूट चल रही है। हर कोई पाकिस्तान को, लोगों को लूटना जानता है। ये लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं और हर गंदे से गंदा काम, खिलौने से खिलौना काम पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं। जिना आम है, लड़ाई झगड़ा आम है, दुश्मनियाँ आम है, रिश्वत आम है, फसाद आम है, मोहब्बत खत्म हो गई, भाईचारा खत्म हो गया, मिलना मलाना खत्म हो गया। क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था? जहां कॉलेज में लड़की के साथ ज्यादती हो और इंसाफ की बात आए तो पैसा देकर चुप करवा दिया जाए और झूठी गवाहियां भी दे दी जाए, क्या इसलिए पाकिस्तान बनवाया गया? जहां टीचर्स भी स्टूडेंट्स को प्यार से समझाने की बजाय, इस्लाम सिखाने की बजाय, सही गलत बताने की बजाय गालियां दे, क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था? और याद रखिएगा, एक गाली देने से कब्र पर एक बिच्छू नाजिल कर दिया जाता है जो सांप से ज्यादा जहरीला, और एक बार डसेगा तो इंसान सैकड़ों दूर जा करके अपने इस्लाम को लेकर जाए। इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, माजी तो सुनहरा था पर हाल खो गया। अंग्रेज ने क्यों इस्लाम कबूल नहीं किया? अंग्रेज कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि मुसलमान झूठ बोल सकता है, रिश्वत ले सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, हर गंदे से गंदा काम कर सकता है, अगर हमें इन कामों के बारे में पहले ही पता होता कि मुसलमान बनकर हम ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, तो खुदा की कसम हम कब का मुसलमान हुए होते, पहली सब पर हम ही खड़े होते अगर हमें इन चीजों के बारे में पता। समय निगरान, अब बात आती है कि अभी नाजुक हालात हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप इंसानियत सीखिए, सब ठीक हो जाए, इस्लाम में भी और तमाम दिगर मजाहब में भी इंसानियत का दर सबसे अव्वल है। नमाज इंसानियत सिखाती है, रोजा इंसानियत सिखाता है, हज इंसानियत सिखाता है, ज़कात इंसानियत सिखाती है। नमाज कहती है नमाज पढ़ रहे हो, अकेले ना पढ़ो दूसरे को भी कहो। ज़कात कहती है मुझे अदा करो ताकि इंसानियत का भला, हज कहता है मुझे अदा करो और ताकि तुम एक दूसरे में फर्क ना कर सको,
रहा मांगी रक्स, रोजा कहता है मुझे रखो ताकि तुम्हें दूसरे की भूख का एहसास हो। हर चीज हमें इंसानियत सिखाना चाहती है कि एक दूसरे के काम आओ, और ये सबसे बड़ी इबादत है। जो इस इबादत में पीछे रह गए वो समझे दुनिया में भी नाकामयाब है और आखिरत में भी नाकामयाब। साजा को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को इस्लाम सिखाएं, इंसानियत सिखाएं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अब इन नाजुक हालात। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट अपने इस्लाम को फैलाने में अपना किरदार अदा करें, और ये हम सब पर फर्ज भी है। और अगर किसी ने आपसे अच्छी बात सुन ली और उसे किसी ने भी, हजारों में से कोई तो रिएक्ट करेगा, कोई तो अमल करेगा, अगर उसने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिर आप चाहे मर भी जाएंगे तो आपको उसका स्वाद मिलता रहेगा। और ये तो एक हिसाब का सबका जारिया है, और यही असल कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत की। इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। जमीन पे तारे नहीं, आसमान पर कब्र नहीं, इंसान को सबर नहीं, कुरान में झूठ नहीं, जिसका सजदे में सर नहीं उसका जन्नत में कोई घर नहीं। ऐ बंदे ये दुनिया की मोहब्बत तेरे लिए फसूल है, माँ एक जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, माँ की दुआ हमेशा कबूल है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वो जन्नत की मिट्टी भी बच्चों के लिए फूल है, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा उसकी कमाई सब फसूल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद।